गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 जून की तारीख थी और तकरीबन वही रात का आखिरी पहर शुरू हो जाता है और हमें यह पता चलता है कि इस बार रोलन गैरोस में यानी फ्रेंच ओपन के फाइनल में ये दो शख्स सामने सामने होंगे जो बीते साल भी सेमीफाइनल खेले थे। और अभी अगर आप 3 हफ्ते पहले जाएं तो आपने ने रोम में भी देखा होगा जहां क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे से भिड़े थे। हालांकि दोनों तरफ जो नतीजा आया था वो नोवाक जोकोविच के फेवर में था। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि ओवरऑल रिकॉर्ड क्या कहते हैं तो 5-2 ये स्कोर लाइन है इन फेवर ऑफ जोकोविच। शुरुआत के 3 मुकाबलों में अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि सिटीपास कैसे आगे निकल जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जोकोविच ने जिस तरह से चढ़ाई की है वो दिखाता है कि इस मुकाबले से पहले ही हम क्यों कह रहे हैं या दुनिया क्यों कह रही है कि नोवाक जोकोविच फेवरेट है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें और इसको और आगे बढ़ाएं तो जोकोविच अपने 19वें ग्रैंड स्लैम के लिए लड़ रहे होंगे और दूसरा रोलन गैरो होगा। दूसरी तरफ अगर हम सिटीपास की बात करें तो वो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में है और निश्चित तौर पर पहले ऐसे ग्रीक टेनिस प्लेयर हैं जो कि कोई ग्रैंड स्लैम जीतने की दहलीज पर एक तरह से अब खड़े हुए हैं। अगर आप सिटीपास के सफर को देखें इस वक्त पे तो उन्होंने जिस तरह से जॉन इस्मर के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस आता है, या हम ज्वरेव के खिलाफ भी उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, या पेड्रो मार्टिनेस के खिलाफ उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यार अच्छी जीत हासिल कर कर आए हैं। और खास तौर पर अगर हम इन दोनों के बीते मुकाबलों को देखें तो जोकोविच ने जो मुकाबला खेला, हाई इंटेंसिटी मुकाबला, ज्यादा टाइम लिया, बॉडी पर ज्यादा टोल आया, निश्चित तौर पर साइकी पर भी असर पड़ता है। दूसरी तरफ ज्वरेव को हम ये कहेंगे कि यार आसानी से ही लगभग, मतलब अगर दोनों के मुकाबलों की तुलना की जाए तो बहुत ज्यादा बॉडी रेस्ट एक तरफ हम कह सकते हैं कि सिटीपास को मिला होगा, दूसरी तरफ जोकोविच आसान नहीं होता है, खास तौर पे जब दूसरा खिलाड़ी आपसे तकरीबन 10 से 12 साल छोटा हो और आप नडाल के साथ इतना हाई इंटेंसिटी गेम खेल कर आए और फिर आप एक दिन के आराम के बाद बोले कि भाई संडे को मैं तैयार हूं एक और हाई इंटेंसिटी मुकाबला खेलने के लिए, क्योंकि बीते दो मुकाबले इन दोनों के 5 सेट तक पहुंचे और हमने देखा है कि कितने बड़े मुकाबले रहे हैं। आपको याद होगा बीते साल भी जब लगातार जो इनके बीते मुकाबले, उसमें भी हमने पिछले मुकाबले में देखा था कि कैसे जो सिटीपास थे वो पहले दो मुकाबले हारने के बाद जोकोविच को अगले दो मुकाबले हराते हैं और फिर 5वें सेट पर जाकर यह तय होता है। हालांकि जोकोविच के खिलाफ आपको पता है कि जैसे जैसे गेम लास्ट तक जाता है उनकी इंटेंसिटी खत्म नहीं होती और दूसरा खिलाड़ी फिर, और सिटीपास के साथ भी यही हुआ था जो हमने नडाल के साथ होते हुए देखा कि लास्ट टाइम पर इंजरी आ गई। हालांकि इंजरी का जो हम कहते हैं कि भाई उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है और आपके पास, आपको गेम छोड़ना पड़ेगा यानी आप हार जाएंगे, और अगर आप खेलेंगे भी तो उतने लंबे समय तक आपकी बॉडी क्या उसी तरह की सेम इंटेंसिटी के साथ आपका साथ दे सकती है, ये दरअसल सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई एरर्स, अगर आप अनफोर्स एरर्स ज्यादा से ज्यादा करेंगे जो कुछ के सामने, जो वो करवाते भी हैं आपसे, अगर आपने देखा हो कि भाई बेस लाइन रैलीज उन्होंने कितनी खेली, गजब की खेली। उसके बाद अगर आप देखिए कि जो उन्होंने किक सर्व्स दी है वो बहुत अमेजिंग थी, पिछले मुकाबले की अगर मैं बात कर रहा हूं नडाल के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने करा, और इसके अलावा जिस तरह के उनके क्रॉस कोर्ट शॉट्स रहते हैं, उनकी वॉलीज रहती हैं, उनके डिप्स रहते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि किस तरह से वो ओवरऑल जो हमने कहा कि भाई क्रॉस कोर्ट खेलते हैं और उससे जिस तरह से वो सामने वाले को थकाते हैं वो दरअसल उनकी एक बड़ी ताकत है। और यहां पर भी इसी चीज की एक परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, अगर इसको सिटीपास पास कर जाते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि वो पहली बार इस खिताब को अपने नाम कर देंगे। हालांकि बतौर जोकोविच ही उन्होंने ये कहा था, जोकोविच ने ये कहा था सिटीपास के बारे में कि भाई इस खिलाड़ी से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, इस खिलाड़ी में वो दम है कि ये अगला बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो क्या जोकोविच के उन्हीं शब्दों को आज एक तरह से सही कर देंगे सिटीपास, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि निश्चित तौर पर इनके जो हमने कहा कि भाई बीते मुकाबले भी हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चले गए हैं, जोकोविच ने बहुत आसानी से जीत लिए हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यार एक दिलचस्प जो हम कहते हैं ना भाई कर्स होता है, एक वो क्या होता है कि नडाल को जो भी बाहर करता है वो कभी खिताब नहीं जीत पाता है, ये 2 बार ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 2009 में, 9 में आपको याद होगा सोडलिंग ने जो है फेडर को, सॉरी नडाल को बाहर किया, लेकिन फेडर के साथ जब फाइनल खेला तो फेडर उस मुकाबले को जीत गए। फिर 2015 में जब हमने देखा कि जोकोविच ने एक बार नडाल को बाहर किया तो हमने देखा कि वहां वो स्टेन वावरिंका से हार गए। तो बीते समय में हालांकि अगर आप देखें चाहे मेदवेदेव हो चाहे थीम हो, ये फाइनल तक तो पहुंचते हैं लेकिन उस फाइनल हर्डल को नहीं पार कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सिटीपास को देखें तो उनका ये साल बहुत गजब का रहा है। अगर आप पूछेंगे कि भाई टेनिस में इस साल दो ऐसे खिलाड़ी बताइए जिनका कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, ना सिर्फ ग्रैंड स्लैम के लिहाज से बल्कि ATP या जो मास्टर्स होते हैं उनके लिहाज से, तो फिर आप देखेंगे कि
मायामी ओपन और सिटीपास के पास एटीपी में उनका बहुत गजब का परफॉर्मेंस रहा है। दूसरी तरफ हम जोकोविच के लिए तो सारे के सारे जो हम ग्रैंड स्लैम कहें या टूर्नामेंट्स कहें, बीते मुकाबले में भी अभी इससे पहले जो टूर्नामेंट हो रहा था जो हमने देखा भाई एक तरह से मड्रिड में खेला गया, उसमें हमने देखा कि वो फाइनल तक पहुंचे, वहां नडाल ने उन्हें हराया। रोम में हमने देखा कि ज्वेरेव जीते थे, वहां पर ज्वेरेव ने नडाल को हराया। तो ये सारी की सारी चीजें जिसमें हमने देखा कि ये जो नए लड़के आ रहे हैं ये अब शायद फाइनल जो एक तरह से मुकाबला होता है उसमें वो ओवरटेक कर रहे हैं, ये हमने इस साल भी देखा, बीते साल भी हमने इस चीज को देखा। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी आज है कि क्या सिटीपास इस फाइनल हर्डल को पार करके, जैसा मैंने कहा पहले ऐसे ग्रीक खिलाड़ी बन सकते हैं जो कि ग्रैंड स्लैम जीतेंगे, ये निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। पिछले साल सेमीफाइनल हारे थे इसी खिलाड़ी के अगेंस्ट, इस बार बदला लेने का पूरा मौका है। दूसरी तरफ 19वां ग्रैंड स्लैम जीतने का पूरी तरह से मौका जोकोविच के पास, दूसरी बार ये खिताब जीतने का, और निश्चित तौर पर फिर आप बहुत अच्छे तरीके से आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या जोकोविच इस एरा के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से हैं, क्योंकि अभी भी एज उनके पास है, नंबर्स उनके पास हैं और वो आराम से नडाल और फेडरर को ओवरटेक कर सकते हैं ग्रैंड स्लैम्स के मामले में। दोनों के दोनों, फेडरर और नडाल, 20 ग्रैंड स्लैम के साथ बैठे हुए हैं, इनके पास 18 हैं, अगर आज जीत जाते हैं तो 19 हो जाएंगे और दूसरा रोलन गैरो उनके पास होगा। तो देखते हैं, नजरें हमारी भी रहेंगी बनी हुई, जैसे हम बीते मुकाबले में आपके लिए अपडेट्स ला रहे थे, इस मुकाबले का भी अपडेट आपके पास लेकर आएंगे। आप इसी तरह से हमें देखते रहिए, लगातार हम अलग अलग फुटबॉल, चाहे वो फुटबॉल जगत की खबरें हो, टेनिस जगत की खबरें हो, क्रिकेट से जुड़ी खबरें हो, इसके अलावा भी ओलंपिक से जुड़ी खबरें हम आपके लिए ला रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।